आप क्या बताएं, बस अच्छा था और क्या। प्रभास के फैन है, बस अच्छा लगता है। लेकिन आदमी ही रुक दिया, पूरा दिखाया ही नहीं सेकंड पार्ट के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। कोशिश अच्छी किया गया बनाने के लिए, और कुछ मिसिंग है इसके लिए आप कह सकते हैं 3 स्टार देंगे, और अगले जो पार्ट के लिए वेट करेंगे। अच्छा, ओवरऑल बहुत ही अच्छा कोशिश किया गया डायरेक्टर के द्वारा, अश्विन साहब के द्वारा बहुत अच्छा कोशिश है एक, और यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की मूवी वो आगे भी लाते रहें। अच्छा प्रयास है उनका। अच्छा एक्टिंग किसका लगा? अभी तो अश्वत्थामा का जो रोल अमिताभ ने किया वो माइंड ब्लोइंग लगा, बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो इंटरवल के पहले उतना कुछ खास नहीं लगा, बट इंटरवल के बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और उम्मीद करते हैं कि सेकंड पार्ट इससे बेहतर हो। इफेक्ट कैसा था? हॉलीवुड फेल है? नहीं, हॉलीवुड नहीं जैसा था, दोनों सेम लग रहा था, पर अच्छा था। लास्ट में क्लाइमैक्स बहुत अच्छा लगा, चेंज हो गया वहाँ, पूरा कहानी चेंज हो गया। हाँ, ये जरूर देखनी चाहिए, बाकी फिल्म की तरह से अलग है, थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया मूवी था। सबसे खास क्या लगा? सबसे खास लगा कि महाभारत बेस्ड मतलब स्टोरी था, तो मतलब डायरेक्टर शायद हो सकता है कि बनाना चाह रहा होगा एक इन्वर्स टाइप का, मतलब जैसा कि इसमें हम देखें कि प्रभास जो था वो क्या बोलते हो, महाभारत का एक कैरेक्टर है कर्ण, उसके रोल में था, जो लास्ट में पता चलता है। शुरू में प्रभास की एक्टिंग कैसा? अच्छा था, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको अश्वत्थामा वाला अच्छा लगा। और मे भी एक उसमें था एक गांडीव, तो शायद कोई अर्जुन भी, मतलब सारा महाभारत का कैरेक्टर उसमें लाया गया है। हॉलीवुड वाला भी लाया क्या? हॉलीवुड से तो हमको लगा बढ़िया है, आयरन मैन अभी तक हमारा सबसे बेस्ट कैरेक्टर था, हमको उससे बढ़िया लगा ये वाला। हॉलीवुड से बहुत बढ़िया काम किया है, अब धीरे धीरे इंडियन मूवी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा अच्छा मूवी है, थोड़ा बहुत देखिए अंधेरा है, बेफेक्स जो है बेफेक्स बहुत तगड़ा है, और थोड़ा अंधेरा है मूवी में, मतलब जो बेफेक्स के कारण थोड़ा अंधेरा डाला गया है मूवी में, बाकी मूवी बहुत अच्छा है। क्लाइमेक्स मेनली देखिएगा जरूर, क्लाइमेक्स बहुत तगड़ा क्लाइमेक्स डाला गया है, ठीक है, तो क्लाइमेक्स जरूर देखिएगा। बाकी एक्टिंग भी बहुत अच्छा, सबका एक्टिंग अच्छा है। प्रभास, अमिताभ बच्चन, हाँ सबका अमिताभ बच्चन का तो रोल मतलब खतरनाक बिल्कुल है, मजा आया। सबसे खास इसमें क्या लगा? सबसे खास इसमें आपको मेनली देखिए, स्पॉइलर थोड़ा दे देते हैं, इसमें मेनली महाभारत से कनेक्ट किया गया है पूरा, वो सबसे ज़्यादा मस्त लगा देखने। बाकी मूवी बहुत अच्छा है बिल्कुल, इस मूवी को मतलब 4 स्टार में देना चाहूँगा, 5 में, ठीक है। हाँ, मूवी तो ब्लॉकबस्टर मूवी है। खास क्या लगा इसमें? खास यही है कि महाभारत के स्टोरी के साथ इसको जोड़ करके बनाया गया है, यही खास इसमें सबसे ज़्यादा लगा। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत बढ़िया। क्या सुपर हिट जाएगी? कितना कमाई? बहुत 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 अच्छा था। सबसे अच्छा क्या लगा? एक्शन था मतलब साइंस फिक्शन हिफ्टी तो मिला के था, लग रहा था कि हाँ वो अच्छा रिकॉर्ड तोड़ेगा। प्रभास की एक्टिंग वगैरह इम्प्रूव बहुत हुआ है आदि पुरुष पे। मूवी अच्छी है, देखने में थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़्यादा हुआ, इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो और ही बेहतरीन होगा। इसमें महाभारत की कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है, जिसमें अश्वत्थामा और कर्ण का एंट्री हो चुका है, और कमल हसन जो है वो अगला रूप ले चुके हैं। अगला पार्ट में इसका पता चलेगा कि कमल हसन कौन सा रोल में आने वाले हैं। बहुत अच्छा मूवी है, डिस्टोपियन है, अपना पुरानी कथाओं से है, जैसे महाभारत से, इस पे ही है। प्रभास तो मस्त है, डार्लिंग है प्रभास। डायलॉग अभी फिलहाल याद नहीं। सबसे अच्छा लगा महाभारत का जो पास्ट दिखाता है, सबसे मस्त। इसमें रिवील तो नहीं कर सकते अभी कुछ, फर्स्ट या फर्स्ट तो देख के आए हैं, ठीक है, बढ़िया। आप प्रभास, अमिताभ बच्चन सभी अच्छा, अपना अपना रोल सब अच्छा किया, मस्त है। अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर अच्छा लगा, अच्छा था के रूप में, बाकी सब ठीक था। हॉलीवुड को ही फेल कर देगा? हाँ, सेकंड पार्ट का इंतज़ार रहेगा इसका।